जन्नत में। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. हे गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं आपका सस्ता ब्लॉगर लेके आ गया हूँ एक और ब्लॉग। एक और ब्लॉग ना 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 एक ब्लॉग नहीं, आने वाली अपनी पूरी ट्रैवल सीरीज। और ये है ट्रैवल सीरीज का पहला एपिसोड। और ये ट्रैवल सीरीज कहाँ की होने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ, आप गेस करना। आया कुछ समझ में? ये मनाली है मेरी जान। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि लास्ट दिसंबर चल रहा था और अपने को एक ट्रिप भी करनी थी। मन में इच्छा थी थोड़ी बर्फ़ देखने की, तो बर्फ़ देखने के लिए आ चुके हैं हम मनाली। मैं कल निकला था गुड़गांव से, गुड़गांव से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि यार मैं निकला था, एक तो निकलने में लेट हो गया, ऊपर से गुड़गांव का जाम तो आप जानते ही हो। तो गुड़गांव के जाम के चक्कर में जो जल्दी जल्दी सारी चीज़ होगी, भागा भागी दौड़ी में सारी चीज़ निकल गई और उसके बाद मेरे थोड़ा हेडेक वगैरह भी हो गया, तभी थोड़ी डाउन होगी तो ब्लॉगिंग मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दी। फिर कुछ ट्रैवल की थकान और भागा दौड़ी इसी के चक्कर में फिर मैंने आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की। आज पहुँच चुके हैं हम मनाली में, अभी जस्ट बस से उतरे हैं, होटल की बुकिंग कर दी है, होटल के लिए निकल रहे हैं। होटल पहुँच के बताता हूँ आपको बाकी की कहानी। हाँ, मनाली बस स्टैंड से पैसे बचाते हुए हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपने होटल पर। ये कुछ अपना प्रकार है अपना होटल, इधर से अपना माउंटेन का व्यू रहेगा। तो चलिए जल्दी से चेक इन करते हैं। हाँ जल्दी से चेक इन करते हैं और चलते हैं होटल में क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं चेक इन करने के बाद। फाइनली चेक इन अपने लिया है और दिखाता हूँ आपको रूम किस प्रकार है। तो ये अपना कुछ सामान रखा हुआ है, ये इस प्रकार कुछ रूम है, एक अपना दल्ला लेटा हुआ है कि देखो देखो कौन आया, बढ़वाया बढ़वाया, मीट माई बड़वा फ्रेंड वरुण। क्या हाल है भाई, कैसे भाई? और मनाली में आके ये व्यू देखने के लिए अपने रूम बुक किया, उधर है थोड़ा सा दिख रहा है बट ये दिख रहा है, हाँ उधर की साइड से है। रूम सोल्ड आउट थे, दूसरा कोई रूम मिला नहीं तो भाई इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और दूसरा बंदा तो आपने देख लिया, अपन तीन बंदे आए हुए हैं, वरुण मैं और आरजे। और बस मतलब कि काफी मतलब सुंदर रूम थे, काफी हैं इसमें ब्यूटीफुल, मतलब कि काफी ब्यूटीफुल रूम है, काफी अच्छा रूम है। ये अपना जो है ये मेरी छमिया है, गजब बेइज्जती है। मतलब काफी ठीक ठाक रूम है, अच्छा मिल गया। और रूम के बारे में बताता हूँ कैसे करना क्या करना है। ये एलेक्सा दी हुई है इन्होंने, दी नहीं है भाई, लेके आए खुद, लेके आए म्यूजिक के शौक के लिए। अभी यहाँ पे पानी की टेस्टिंग की जा रही है, पानी गर्म कहाँ से आएगा ये कुछ पता चला भाई? पानी गर्म कहाँ से आएगा भाई? पानी की पता चला गर्म कहाँ से आएगा नहाने के लिए? ये भाई एक तो ये ना कति चिल्ड पानी रखा है इधर, तो नहाना है नहीं नहाना है, अगर नहाए बगैर चल जाएगा तो चल जाए। तो भाई फिलहाल हो चुके हैं अपना नहा धो के रेडी, अब निकलते हैं कुछ, यार भूख भूख लग रही, खाना पीना हो जाए कुछ, थोड़ा पंगा हो गया ठंडे पानी से नहा लिया आरजे ने और अपने रूम भी चेंज करवा लिया, रूम शिफ्ट करवाया तो दूसरा रूम ये है। उसके बाद ये आ गई चावी, अपन लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। दूसरा रूम अपना ये है, इधर से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देगा रूम का। तो थोड़ा रूम कुछ इस प्रकार है, थोड़ा यार अच्छा सा भी, वीआईपी सा भी ये रूम। इधर ये अपना बैठने के लिए काउच वगैरह दे रखा है और अपन लोग हो चुके हैं रेडी। तो ये कुछ है अपन का आउटफिट ब्लैक जैट के लिए। और ये भाई तो अपन लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद अब सीधा करके ही आएंगे, कुछ जो भी करना होगा ना उधर से ही, अब कुछ खा भी के उधर से ही कहीं मनाली की तरफ निकलेंगे। चलो फिर इधर से जल्दी फटाफट से निकलते हैं और चलते हैं। ये अपना कुछ दूसरी साइड का व्यू है, मतलब कुल मिला के होटल हमने बेस्ट पॉइंट पर लिया हुआ है। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। हुँ।
मेरे को छोड़ के दोनों लुक के पट्टे, आजकल फोटोग्राफी चल रही है, मेरे को होटल में छोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा रहा भाई, अच्छा रहा है। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? हमारे थोड़े यहाँ पे परेशी चाय। क्या है क्या है क्या है? चाय का बागान है हमारा, मेरा और वरुण का। तेरा और वरुण चाय चाय का बागान है? हाँ हाँ। कैसे कैसे? तो हटो लोगर्स, नोट अलाउड, सामने से हटो। ए जल्दी वहां से हटो, ये इनका चाय का बागान है, इनके बाप दादा आ गए। बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं, काट दूंगा, चीर दूंगा, टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। बाप पे। A few moments later. कौन सी मूवी आ रही तुम्हारी? ये नई मूवी आ रही जो अभी देख रहा था ना भैया, तुम देखा नहीं? अच्छा, ये हमारे मित्रगढ़। तो सर आप ये जो सडनली जो मनाली की ट्रिप बनी है, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? देखो हमारी ट्रिप का तो हमें जाना था गुलमर्ग। ये भैया जो अपना मुंह छिपा रहे हैं ना, हाँ, इन बच्चों ने भी मनाली जानी है। अरे मनाली यार, बोलो वे सच्चाई बताओ वे सच्चाई। नहीं भैया हमको गुलमर्ग ही जाना था, हमको तो बस, हमको नहीं जाना था। कल जाना ना, किधर जाना कल? शिशु की तरफ, अटल टनल वगैरह। हाँ देखते हैं कुछ। तो आज अपने को करना क्या है? गोले वगैरह मिलेंगे तो आज क्या करना है? आज क्या करना है? आज हम चलेंगे माल रोड वगैरह देखने। माल रोड किस लिए जाओगे तुम? भैया को थोड़ी फरमाइश है, इनके पास है नहीं ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अबे है नहीं ना इनके पास। ये जो बकचोदी फेल रहे हैं, ले एक नंबर के। वो तो हम हैं, पर मुंह क्यों छुपा रहे हो? फेस है ना, ये वायरल हो जाएगा ना। इनका जो खुद का यूट्यूब चैनल है, किस नाम हो जाएगा ना? किस नाम? अच्छा ये अपना फेस रिवील करेंगे बाद में। ये वही है ना कि देखो देखो कौन आया, अरुण बड़वा आया। तो है पर कल जाएंगे। ठंड भाई है, अब किस कदर ठंड है वो हमें बताओ, किस कदर है? साला ठंडे पानी में डुबा के मुझे सुनो भाई, मौसम क्या ले रहा मस्ती। जब हम आए थे तब कड़क धूप थी, होटल में पहुंचे बारिश हो गई, उसके बाद फिर से धूप निकलाई, और अभी फिलहाल ना धूप है ना बारिश है, तो ऐसा ही मौसम हो रहा है। बीच में रहा कैडा हमको हो रही है पीड़ा बहुत ज्यादा। बस फिलहाल अपना खाना पीना खा पी के थोड़ा चाय वाय पी के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसके बाद हम निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। माल रोड जहाँ माल मिलने की संभावना है। घर परिवार बारे यार लोग तो दूर रहे। और कोई गलती है क्षमा कर रही हूँ, बाहर घूमने आया था, ऐसी मस्ती चलती रहे। ये बताओ तन्नू, वाइब कैसी आ रही तुम्हारी यहाँ पर? यहाँ ये इस सवाल का जवाब हम कल देंगे। फिलहाल तो सीन ऐसा हो रखा है कि अपन को ना कोई वाइब नहीं आ रही, कोई फील ही नहीं आ रही, बस हाँ ठंड लग रही है और पता चल रहा है कि मनाली में, बाकी कुछ नहीं हो रहा। और अभी आप देख सकते हो नीचे, देखो बाकी इधर देखो, इधर भाई ऑल रोड की तरफ रास्ता पड़ता है, वो भी वही आए तो बस स्टैंड से पहले ही आपको मिल जाता है ऑल रोड। वहाँ एक मंदिर भी है, क्या मंदिर का नाम? हड़प्पा देवी का मंदिर है। अंकल जी घूमने के लिए कौन कौन से अच्छी है? घूमने के लिए आप ये ढिंबा टेम्पल है, शिव शॉर्ट स्प्रिंग है जी, और मॉल रोड में आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है साथ में। ये पार्टी होती है, पार्टी कहाँ पे सबसे अच्छी होती है? पार्टी पूरी आजकल होटल में है जी, होटल में होगी आपका, न्यू और नीचे आपकी काटली के साथ। तो भाई अभी अंकल जी ने छोड़ा अपने को, तो देखते हैं इधर मॉल रोड कहाँ पे, कैसे मॉल रोड है, कौन सा
हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं, तो देखते रहिए यार। यार वरुण तू तो पढ़ो लिखो साथ में, तो कई रिसर्च करके ही है तू। ये पढ़े लिखो अनपढ़ वाली कहानी है। अच्छा ये पता हमें भी नहीं है, थोड़ा कैमरा फ्लिप करके दिखा दो सबको, तो आपको पता पड़ जाएगा माल रोड है या नहीं है। अभी तो यू कैन सी योर ब्रदर, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हियर। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं मॉल रोड, इसको बोलते हैं मॉल रोड, मनाली का मॉल रोड, माल रोड, मॉल रोड जो भी है तुम समझ जाओ। इधर का इधर तो मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे जब चले थे उधर से कि हाँ कुछ ऐसा है नहीं, वाइब्स नहीं आ रही, बट माल रोड पे आके वाइब इज ऑन। क्यों ब्रो वाइब इज ऑन माल रोड पे आके? कैसी कैसी वाइब आ रही है पता नहीं लगता। तो भाई ये पर्सनली थोड़ी वाइब है, इनको थोड़ा यहीं पे दबा देते हैं, अब उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, अंदर घुसते हैं। 2000 रुपए सुबह किस टाइम? सुबह निकलेंगे 9 बजे लिख लो ये। होटल से उठा लो क्या? यहाँ पे हेलियो करके है, वो होटल एंजल इन कर गया ना, हेलियो में एंजल इन वाला थोड़ा। कितना एक्स्ट्रा जाएगा उसका? कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 2500 रहेगा। अच्छा ये बता, 100 में आते खाली आ रहा था ना, तो 50 में भी आ जाता है। अभी यहाँ से जाएंगे तो पूरा रेट लगता है, तो फिर मैं पिकअप भी वहीं करूँगा, ड्रॉप भी वहीं करूँगा। अच्छा अच्छा चलो वो तो ठीक है, चलो पिकअप के लिए क्या करेंगे हम आ जाएंगे तो चल देखते हैं। अच्छा पर डे पूरे दिन का रहेगा वो, क्या क्या उसमें उसके बाद कहाँ कहाँ काम लेके चले? एक शिशु में कौन कौन से स्पोर्ट पे लेक पे लेके चलोगे? वही है भैया, आगे जाएंगे वहाँ बर्फ नहीं है, जो लेक बोल रहे हैं ना बर्फ नहीं मिलेगा, बर्फ का उधर कम टनल के वहाँ मिलेगा बर्फ, टनल जैसे क्रॉस होगा पूरा बर्फ है। शिशु में नहीं लेके जाओगे? शिशु चलना होगा चलना, लेकिन बर्फ नहीं होगा वहाँ, ऐसे ही हेलीपैड है नहीं, वो जो लेक है उस शिशु वाला लेक तो है ना, वो जम गई है पानी। हाँ तो लेक देखना है ना, वो भी 2000 रुपए सही बता दो क्या लगे? 7 किलोमीटर सही बताओ कितने? सही है भाई, वो सारे पॉइंट पूछ रहे जाना, अपने बताना वहाँ कवर करेगा नहीं करेगा। 16 में बर्फ है नहीं है कुछ नहीं है, ग्राउंड भी खाली पड़ा है, एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी मिलेंगे? सब मिलेगी आपने, कौन कौन ATV है, फोन है अपना, जॉर्बिन बॉल है, सारी सोलंग वाली मिलेंगी? सोलंग में भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी। भाई अभी नॉन इनसे अपडेट लिया आपने, तो ये बता रहे हैं कि अभी जाने में है फायदा, क्योंकि आज भी गए थे तो अटल टनल इन्होंने बंद कर दी, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग फॉलो था, कल अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। सोलंग वैली में भी अभी इतना मतलब कि बर्फ नहीं पड़ रही है, तो अपने को चाहिए बर्फ, तो बर्फ देखने के लिए अपने को जाना पड़ेगा ना मेरी जान, तो देखेंगे सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे इधर से और देखते क्या फॉलोअप करता है। 2000 रुपये मांग रहा है ऐसे, यार बार्गेनिंग करोगे तो आप थोड़ा कर लेगा, अभी इससे हम बार्गेनिंग करने लगे हुए हैं। आप इधर आओ तो भाई ये चीज़ बहुत बहुत ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे भाई बार्गेनिंग मैन है, यहाँ पे भाई बाहर के बंदे को देख के लूटते हैं, अधाधुंध पैसे मांगते हैं। अभी थोड़ी देर के मतलब 1 किलोमीटर के लिए हमको जाना था, तो उसके लिए भाई 300 रुपये मांग रहा था, माल रोड आने के लिए 300 रुपये मांग रहा था, तब जाकर उसे अपने थोड़ा मोल भाव किया तो अपना वो 100 रुपये में लेके आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं अपने। जय हो माता रानी की। ये दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ सफाई देख रहे हो किसका तक ही जा रही है, ये इसी तरह डेली सफाई होती है। एक इशू ये भी है मनाली के अंदर में कि भाई जाम का सामना आपको मोस्टली करना ही पड़ेगा। हम गुड़गांव से आए थे, गुड़गांव से दिल्ली से होते हुए यहाँ तक आए थे, तो इतना जाम कहीं नहीं मिला अपने को, बट जैसे ही हम मनाली पहुँचे तो इस एरिया में हमको हर जगह जाम मिल रहा भाई। जब उधर से हम बस में आ रहे थे तो हमको पहले उतरना पड़ गया, उससे पैदल पहुँच गए हम बस से पहले, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि रश काफ़ी ज़्यादा होता है, और माल रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कुछ ज़्यादा होती है। अभी हम इधर से पदयात्रा करते हुए निकल रहे हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। हडिम्बा टेम्पल की स्टोरी आपको पता है क्या है? मैं बताता हूँ आपको। हडिम्बा देवी टेम्पल बेसिकली एक महावार से कनेक्टेड है। हडिम्बा देवी नाम की एक माता थी जो कि भीमसेन की पत्नी थी, उनको समर्पित किया जाता है।
ये हिमाचल के मनाली गांव में स्थित है और ये बहुत ही प्राचीन मतलब की गुफा मंदिर है। गुफा भी है मंदिर पे, वो देखा तो देखो मैंने है नहीं, जितनी मैंने रिसर्च की जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में आपको बताया, अभी वहाँ जाके देखूंगा क्या है कैसा है तो वहाँ जाके बताऊंगा। फिलहाल देख भाई सांस रही है फूल, इसमें कोई दोहराया ना है, ठीक है दोहराया ही उन्होंने, हाँ इसमें कोई शक ना कि सांस फूल रही है, क्योंकि भाई ऊंचाई है हर जगह यहाँ ऊंचाई है। अगर मैंने ये ऊंचाई जीवन में पार कर ली ना तो हो सकता है मैं अच्छा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊँ। क्या बात करता है यार। तो भाई देखो सीधी सी बात ये है, अगर तुम लोगों को ये लग रही होगी गाना में कि मैं संपूर्ण ज्ञान ना दे रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ, कुछ कोई गलती होगी मेरे से, तो भाई देख संपूर्ण ज्ञान तो देख कहीं के पास ना है, जितनी मैंने नेट पे पढ़ी बताता मैं, बाकी मैं जा रहा हूँ देखेंगे उसके बाद बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है चलो। ये इधर से है भाई मंदिर का रास्ता, एक प्यारा सपोर्ट लगा हुआ है, व्हीकल सब चलेंगे। ये एक चढ़ाई है ट्रैक पीछे दिखा रहा है, और ये एक व्यू देखो आप, ये है असली जन्नत, मेरे को बर्फ मंगता है कल। इधर से चढ़ाई होगी ऊपर तरफ जाना है, मंदिर आई थिंक ऊपर ही कहीं गुफा के अंदर होगा, रियली में काफी टफ चढ़ाई है। कहाँ रह गया था भाई, कहाँ रह गया था है? बोलता हूँ एक्सरसाइज कर ले पर मानता नहीं है ना है भाई, तेरे को कितनी बार बोला जिम करने के लिए, कितनी बार बोला, गर्मी गर्मी पसीना पसीना भाई, चंदी से बंदे ने जैकेट तक निकाल दी बंदे ने, और इसको बोलो ब्रो भाई इतनी आसानी से अगर भगवान मिलते, इतनी आसानी से अगर भगवान दर्शन दे तो इतना ऊपर चढ़ने को किसने बोला था बे, ना ना हर कोई भाई अमर हो जाता उनके दर्शन पा के, ठीक है तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, बस थोड़ा सा ये देखो भाई सब विले विले नहीं है भाई, एक आस्था है, एक प्रेम है, एक भावना है और यहाँ पे आने का एक मोटिव है, ठीक है। फाइनली भाई ये है मंदिर हिडिम्बा देवी का, जो कि मेरे भाई देखो मेरे मेरे अनुसार तो यार देखो महाभारत कलयुग कलयुग ना यार कौन सा है महाभारत युग से कनेक्टेड है, इसको बताते हैं कि ये भीम सेन की पत्नी जी का स्थान है। किन की पत्नी का? भीम जो महाभारत में थे ना। अच्छा, भीम शेर नहीं भीम, हाँ तो उनका बताते हैं इधर ही क्या वीरे क्या है इधर भाई, मैं क्या करूं क्या है भाई, यहां पे बनी बन बंद हो गया, चलो है क्या भाई वैसे इधर, अच्छा क्या टाइमिंग होती है इसकी, टाइमिंग क्या होती है, 5 बजे तक, ठीक है भाई। भाई ये वन विभाग हो गया बंद, यहाँ पे कुछ है अपना विजिट करने के लिए, ये बंद हो गया, 5 बजे तक टाइमिंग होती है इसकी, तुम लोग अगर आ रहे हो तो भाई 5 बजे से पहले पहले पहुँच जाओ इधर और 5 रुपये की टिकट लेके एंजॉय करो, दुनिया भर के फोटो खींचो, ये सीन टाइम आओगे 1 रुपये की टिकट। नहीं वो तो ठीक है, ये मंदिर के बारे में कुछ बताओ अपने को, ये हिडिम्बा देवी है भीम की पत्नी, अच्छा वही महाभारत वाली भीम ना, देखो मैंने सही बताया था ना महाभारत वाली भीम, घटोत्कच उनका बेटा है, अच्छा घटोत्कच वाले की बेटा है, देखो मैंने सही बताया था यार, इतनी तो रिसर्च मैं भी कर ले करूं, मान ले करो मेरी बात है ना, सस्ता ब्लॉगर भी कर लूं ना, कर लूं सच रिसर्च में वे ऑन द वे, मतलब रास्ते में पड़े पड़ के बता दी मैंने तुम्हें, विकिपीडिया पे हल्के मत ले सिस्टम बहुत रहेंगे, इंग्लिश की तुरंत हिंदी ट्रांसलेट करी फिर समझो मैंने, गोलगप्पो का फीडबैक क्या है, गोलगप्पे ट्राई कर सकते हो बट इसमें ना मनाली की जो सीलन है ना वो मिलेगी आपको साथ में, अगर खा के ट्राई करना चाहते हो तो खा लो एक बार, कोई दिक्कत ना, 30 रुपये के सह दिए है ना, 30 रुपये तो ट्राई कर सकते हो, बाकी सीलन का देख लेना। अब भाई ये क्या है, क्या बताओ कुछ इसके बारे में, क्या है सिद्धू है, सिद्धू क्या होता है भाई, मनाली की एक फेवरेट डिश है बहुत अच्छी, क्या होता भाई सिद्धू मनाली की फेमस डिश है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे हम का नाम है होरी पे बना ना गूंजा, गूंजा से लग रहे हैं यार,
थोड़ा लग रहे नहीं नहीं अभी टेस्ट करके बताते हैं। देखो आप भी देखो हाँ टेस्ट करो। ये मोमोज चटनी के साथ खा जाते हैं भाई। ये हमारे भैया को खिलाया आपको कैसा लग रहा है टेस्ट सिडू? इट्स लाइक कच्चा चूम ना इट्स लाइक मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये मोमोज का एक दूसरा वर्जन है जिसमें कि गोभी की जगह चटनी भरी हुई है। मे भी ना अभी आंटी से थोड़ा ठीक से हुआ नहीं है नहीं ये बोलते हैं कि इतनी फेमस और वो अच्छी है काफी ये कह रहा है ये वाला पार्ट खिलाइए मतलब अपने हाथ से नहीं खा रहा देखा उस बंदे को शर्म बहुत आती है भाई। वो देखिए सिद्धू मूसे वाला यस ब्रो क्या क्या अपडेट था उसका भाई वो डिसअपॉइंटेड लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ठीक है भाई हो सकता है कि यहां का जो फेवरेट दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हां ये भाई अपना देख भाई यू हमारा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा क्या हमें सही तरह सर्व हो चाहे ऐसी रेख रहे बट अपने को अच्छा ना लगा थोड़ा ऐसे लगा ऑकवर्ड रहा और फर्स्ट एक्सपीरियंस दल्लों ने ले तो लिया पर खाना मुझे ही पड़ा पूरा भाई ये तो है मतलब मैं नहीं मुझे अच्छा लगे ना लगे मैं और लोगों को ना ये नहीं बोलता उनके मुंह पर कि भाई अच्छा नहीं है ये बड़ी अच्छी बात कही आप नहीं बोला तो हमने भी किसी के मुंह पे नहीं था तुमने बोल तो मैं फेंक फेंक के आ रहे हो यार छोड़ रहे हो आंटी देखेगी तो क्या बोलेगी आंटी पुलिस बुला लेगी तो मान ली बात तो फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। इन माय केस आई एम लिटिल बिट टू फ्रैंक आई स्पीक ऑल थिंग्स ऑन माउथ। देखो भाई हम पे इतनी अंग्रेजी तो आवे ना आता है ठीक है हमें यो बताओ तो एक्चुअली आई एम आल्सो लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम एबीसी टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली भाई ये थोड़ा थोड़ा बाहर का आए ये तू मेरे का ये तू मेरे का भाई ठीक है यू आता हो तो मेरा आते थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी अंग्रेजी छाड़ दो। एवरीबॉडी इज नो वेयर वी गेट माल इन कसोल सो प्लीज डीएम अस इफ यू नो एनी बेस्ट लोकेशन फॉर माल इन कसोल वी विल ट्राई दैट आज अभी अभी रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था ना वो ये है ये देखो ट्रैफिक ये देखो ये है वो गंदा वाला ट्रैफिक यहाँ आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा भाई या मैं कोई दोहरा ना इसमें भाई थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ आपको देखना पड़ेगा बाकी आप पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो कोई दिक्कत है इतने बड़े इशू नहीं है बट हाँ आप बाइक रेंट भी कर सकते हो उधर से। बाइक रेंट के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है थोड़ी देर में भाई ये है एक और साइड मनाली का जहाँ पे कैफेज डिस्कोज क्लब्स एंड कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं। देखो कितना भव्य और अलौकिक है ये बताएंगे इसके बारे में क्या बताना चाहोगे इसके बारे में क्या है इंग्लिश में बताना जरा मेरे को फेवरेट चीज है इनकी विल ट्राई टू चेक आउट दिस बट लेट्स चेक इतनी आवाज थी भाई इससे फालतू नहीं बोल सकते इतनी स्क्रिप्ट में मिली अबे तो बिल्कुल ही ना आती तो भाई मैं तो अभी बिगिनर हूं स्पेलिंग ठीक है मेरी ये इनका यहां का वो है और ये भाई यहां के पहाड़ी कुत्ते पहाड़ी कुत्ते नहीं पूरा कुंसोई भोगाल बना रहा हूँ करके अरे भैया जाओ अपना जाड़े बेड़े में काय का परेशान कर रहे हो घूमो फिरो अपना मौज ले हो हूँ करके कुत्ता मत बनो कुत्ता तो हम ही बहुत है क्या कौन ये भाई कौन सी रिवर है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो भाई गूगल है मेरे मोबाइल में गूगल मार ले दोस्तों भाई अभी थोड़ी देर में गूगल मार के से बता रहा तुम्हें कहाँ रेख रहे भाई अपन लोग आ चुके हैं ये वही रिवर है जहाँ पे कुछ टाइम पहले जो आपदा हुई थी ना जहाँ पे बाढ़ आई थी जो मणिकरण के उधर से होते हुआ थी ये वही है आगे से इसका वाटरफॉल भी है बट इधर से है इसका और तो पता नहीं भाई कहाँ से आ रही है बट ये सीधी नहीं निकल रही भाई ये इसको ओल्ड मनाली बोलते हैं ओल्ड मनाली अच्छा ओल्ड मनाली देखो कभी नई चकाचौंध में है इधर दिखाओ देखो इधर भी दिखाओ ये ये हमारे साथ ये देखो ये अभी फुल आपको मून वॉक करके दिखाएंगे एंजॉय यही कर रहे हैं मन यहाँ का मनाली का भाई क्या पक विराट नाउ राइट कंट्रोल ये आपके देखो सस्ते ब्लॉगर एडवेंचर करके आ रहे हैं कुछ ये देखो जूते इनके भीग गए भैया थोड़ा सा रिस्क हो गया हम थोड़ा रील बना रहे थे छपरी बन रहे थे नीचे जाकर हमारा जूता भीग गया क्या गुंडा बनेगा रे तू मालिक मालिक मालिक
मालिक इतना खर्चा होगा तो यहाँ पे रोटी कमा दे मालिक, यहाँ पे रोटी कमा दे ना। अभी तक हुआ है ना, एक दिन में हो जाएगा। मालिक 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 देखो, सुनो सुनो मालिक मालिक मालिक, चिप्स की बात है मालिक, देख लो मालिक मालिक, पॉपकॉर्न बढ़ जाएंगे। 15 मिनट्स लेटर। हां भाई, सीपीयू आ गए है, सस्ता सीपीयू है ना भाई, सस्ता सीपीयू इतना है ये भाई, ये है टूरिस्टर कटौती है भाई, ये टूरिस्टर कटौती है, और ये है माल रोड, नाइट व्यू ऑफ द माल रोड। हर किसी चीज में आपको माल मिलेगा, सामान में भी और वैसे भी लेने वाला। पर भाई पैसा पूछो मत, तू कहां साहब के ना, रियली में सीपी वाली रौनक है, ये आप देख सकते हो भाई, ये है सीन यहाँ का। ये है भाई पूरा सीपी, ये है पूरा भाई सीपी मनाली का। ये इधर से हो गया तो भाई जल्दी से घर रूम पे चलो, और रूम पे जाके बताते हैं आपको। हाँ, बुलेट लेनी है मिल जाएगी, स्कूटी लेनी है मिल जाएगी, रूम पे जाके बताता हूँ शांति से। यहाँ लग रही है ठंड, तो भाई ये हम ऑफ कैमरा ऐसे होते हैं, हम ऑन कैमरा ऐसे बाबूजी मतलब तो भाई आ गए अपने आशियाने में। फाइनली भाई आ चुके हैं हम अपने रूम में, मस्तियां करके, मंदिर में देवी के दर्शन करके, माल रोड में माल ताड़ के, थोड़ी बहुत बकचोदी करके रूम में। अभी फिलहाल गए हैं गंदे वाले तक, पैर गए हैं टूट और फूक रही है लग, ठीक है। एक जुगाड़ किया है हीटर का, और रोटी मंगानी है ऊपर से खाने के लिए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या ऑल ओवर एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या हमने मस्तियां की, क्या अगर आप आ रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होटल्स वगैरह कैसे लेने चाहिए, बाइक भी रेंट कर सकते हो, कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, बताता हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए थोड़ा सा समय दो यार, थक गए ना, थोड़ा सा समय दो, करता हूँ। तो भाई फाइनली पहला दिन हो चुका ओवर, तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस रहा वो जो मतलब कि स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आए थे तो जो वाइब थी जो मिल नहीं रही थी कि हम मनाली में हैं, नहीं मिल रही थी ना, पर उसके बाद जब हम नहीं लग रहा था कुछ बनती, हाँ फिर उसके बाद जब निकले इधर से, थोड़ा किया एक्सप्लोर चीज़ों को तो मज़ा आया। जब जो सर्दी जब घुसी ना अंदर तक तो लगा हाँ मनाली पहुँच गए। तो भाई रोड पे पहुँच के जाना मज़ा, हाँ। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अगर आप होटल वगैरह देख रहे हो तो भाई कुछ टाइम पहले अगर होटल देख लोगे और उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो आपको उम्मीद है कि बेस्ट प्रॉपर्टी मिल जाए आपको, और ऑनलाइन करने में ही बेनिफिट रहेगा, और पर पेमेंट साथ साथ करनी पड़ेगी, वरना आज हमारे साथ ऐसा हो जाता कि हम पेमेंट नहीं करते तो हमारे हाथ से होटल गायब हो जाता, क्यों मित्र। और बाकी आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे रेंटेड बाइक वगैरह ले सकते हो, गाड़ी वगैरह ले सकते हो। मैंने बेसिकली दो चीज़ों को कन्फर्म किया था, हिमालयन का क्लासिक का कन्फर्म किया था, उसका बताया था मेरे को 1500 रुपये, और स्कूटी का 500 रुपये कह रहा हूँ पर डे। तो मतलब कि अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपने, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कम कर पाते हो। बाकी भाई अच्छी जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है भाई, और एक एक दृश्य जो है ना वो मनमोहक और आकर्षक है। बट थोड़ी महंगी भी है, बट यहाँ पर टूरिस्ट के नाम पे भाई लूटते बहुत हैं, तो अपना बार्गेनिंग बहुत मस्ट है यहाँ पर, अगर कर सकते हो तो आपकी ट्रिप सेफ और बजट में हो जाएगी, वरना भाई टटलू कट जाएगा तैयार हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, यह एपिसोड पहला बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी कल जाएंगे, कल अर्ली मॉर्निंग जागना है, तो कुछ पॉइंट है वहाँ पर जाना है, बर्फ़ देखना है, बर्फ़ की गोली भी बनाने वहाँ पर जाके, और इसने ढेर सारी रील्स है वो भी बनानी है इसको। बाकी अभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बहुत सारे प्यार देखने के लिए, बहुत थैंक यू। जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हो तो वो बताइए क्या क्या छूट गई हैं, और बाकी सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पुच्ची दे, पुच्ची दे, ठीक है भाई, पुच्ची।